हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। देखिए, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने संविधान के पहले संशोधन के बारे में पढ़ा था, और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है संविधान के दूसरे संशोधन के बारे में। तो देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान के दूसरे संशोधन के बारे में। तो चलिए अपने टॉपिक को हम फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, अभी का जो समय है, हालात है, वो अभी सही नहीं चल रहे हैं। अगर कोई भी बीमार पड़ता है, कोरोना वायरस किसी को होता है, तो ऑक्सीजन और बेड की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, कमी है। तो प्लीज़, आप अगर बाहर भी जाते हैं तो मास्क प्रॉपर लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर में ही रहें, जिससे क्या होगा, आप सेफ़ रहेंगे, अपने फैमिली वालों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान का दूसरा संशोधन जो होता है आपका 1952 में होता है। देखिए, अभी पहला संशोधन ही होता है 1951 में, और देखिए ठीक उसके एक साल बाद अब 1952 में भी संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देख लेते हैं हम उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देख लेते हैं हम राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति जी जो थे हमारे उस समय तत्कालीन, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे जो राष्ट्रपति थे। अब देख लेते हैं जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था। तो देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 81 में ये संशोधन किया जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 81(1) का ए जो है उसमें क्या होता है, ये हमारा ये कहता है कि जो लोकसभा की सीटें होंगी वो 500 होंगी। उस समय लोकसभा की सीटें 500 होंगी, ये कहता है आपका ए। अब जो आर्टिकल 81 का जो बी कहता है, वो ये कहता है कि जो आपका एमपी चुना जाएगा, लोकसभा का जो आपका एमपी चुना जाएगा, तो उसमें क्या है कि कितने पॉपुलेशन पे एमपी चुना जाएगा, या ये डिसाइड होता है। तो ये रखा जाता है कि कम से कम 5 लाख पर एमपी चुना जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 लाख पर एक एमपी आपका चुना जाएगा, ऐसा रखा जाता है। ठीक है, पर क्या होता है कि उस समय हमारी जनगणना जब होती है, जनगणना कंप्लीट होती है और उसका जब डाटा आता है, तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था कि पॉपुलेशन, एक तरीके से हमने अनुमान लगा के जो रखा था, ऐसा नहीं होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब इसके कारण जो 5 लाख और 7.5 लाख रखा गया था डाटा की एमपी के चुनने की पॉपुलेशन पे, अब ये फिट नहीं बैठ रहा होता है, इसमें दिक्कत आ रही होती है। तो जिसके कारण क्या किया जाता है, आर्टिकल 81 में अब क्या किया जाता है, संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के लिए इस आर्टिकल में संशोधन किया जाता है, जिसके कारण भारतीय संविधान का ये दूसरा संशोधन होता है। अब देखिए, संशोधन के जरिए क्या किया जाता है, 1952 में संशोधन किया जाता है, और संशोधन के जरिए ये किया जाता है कि जो अधिकतम संख्या रखी गई थी पॉपुलेशन की 7.5 लाख पर एक एमपी, अब इसको हटा दिया जाता है, इसको बढ़ा दिया जाता है अब पॉपुलेशन की। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, इसमें बस यही चेंज किया जाता है, ज़्यादा बड़ा संशोधन नहीं है ये। तो इसमें बस यही चेंज किया जाता है, एमपी को चुनने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही होती है पॉपुलेशन पे, कि कितने पॉपुलेशन पे एक एमपी रहेगा, तो यही प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसके कारण आर्टिकल 81 में संशोधन किया जाता है। देखिए, आर्टिकल 81 में अब तक 10 बार संशोधन किया भी जा चुका है। देखिए, ये जो संशोधन था उतना खास नहीं था, बस इसमें आर्टिकल 81 में ही संशोधन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।